किसी से मिलना नहीं है, किसी से खुद आगे बढ़ के हैंडशेक नहीं करते आप, या किसी को आप पर्सनली किसी को क्या कहते हैं, हम वो कहते हैं ना कि उसको देते हैं क्या कहते हैं गुड लक, कुछ को कहना वो तक हम नहीं दे पा रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सनल स्किल्स आपके बड़े कमजोर है। अभी जब आप लोग बोलेंगे तो पर्सनल स्किल्स आप लोग से भी चेक भी हम लोग करवा देंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होते हैं जो संस्था को और आपको परेशान कर रहे कहीं ना कहीं। आप ये बताइए निजी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे हो क्या आज तक? खुद के भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, सॉल्व कर पाए कभी भी मम्मी पापा पे डिपेंड हो? डिपेंड हो कहीं ना कहीं हो ना। और आपको ध्यान रखना कि जब जॉब करोगे तब अगर कोई प्रॉब्लम आई तब क्या मम्मी पापा से पूछोगे कि ये प्रॉब्लम मेरी जॉब में आ रही मैं क्या करूं? करोगे बिजनेस चालू करोगे प्रॉब्लम आएगी हर काम के लिए तो माँ बाप को बीच में लाओगे? तो अभी तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं सीख पाए। और 2024 तक अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत क्या करें आप अपने अंदर डालें, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करने कोई नहीं करता, वो कहने को दुनिया है सॉल्व आपको करना है। तो दिमाग को तेज करिए, बिजनेस के प्रॉब्लम नौकरी के प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आप लिखिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्य जो आपके कंपनी के द्वारा आज रन किया जा रहा है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कंपनी ने एक प्रोजेक्ट उठाया कि उसको रेलवे का पूरा जो सिग्नल सिस्टम है उसको डिजिटल करना है, यानी कंप्यूटर्स के थ्रू पूरे सिग्नल सिस्टम को हमें चलवाना है। लेकिन ये मंत्रालय ने इस डिसीजन को लिया, करना तो आपको है, तो क्या आपके पास इतनी ताकत आ जाए कि आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा कर सको? सोच के बताइएगा। आप में से कई लोगों ने बीकॉम किया, कई लोगों ने बीएससी किया, कई लोगों ने इंजीनियरिंग की है, मान लो किसी संस्था में जॉब लग गई, संस्था में तो प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। पहले दिन से संस्था ने कहा कि देखो ये प्रोजेक्ट हम लोग को पूरा करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट हमें दिया है पूरा करने के लिए और डेडलाइन है 30 महीने। तो 30 महीने पूरा करने के लिए क्या आपने अपने दिमाग और बॉडी को तैयार किया? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भी प्रोजेक्ट जबलपुर में भी बनते हैं उसके लिए हमें बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं। हमारे लोग यहाँ के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेंटली तैयार थे ही नहीं कभी। और इस कारण से जितने लेबर्स काम करते सब बाहर से आते हैं, जितने इंजीनियर्स होते हैं सब बाहर से आते हैं। तो आपको एक चीज तैयार करना है कि आप प्रोजेक्ट मैनेज करना सीखे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या? कोई भी काम जो आप सीख रहे हो उसको इतना परफेक्ट सीखो कि जब जॉब करो तो उनके प्रोजेक्ट को आप पूरा कर सको। अगर आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता कुमरी दिखाई। नेक्स्ट आप लिखिएगा गुड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा है भाई आपका? अब इसमें चर्चा भी होगी बहुत कुछ। आपको लगता है आपका एटीट्यूड अच्छा है? मुझे तो नहीं लगा किसी का। मैं सुबह सुबह आता हूँ गुड मॉर्निंग बोलना नहीं है, उसके बाद फिर एकदम मुरझाए चेहरों के साथ बैठना है, उसके बाद फिर पूरे दिन टेंशन लेके चलना है। ठीक है, दोस्तों से चिल्ला चिल्ला के बात करना और माँ बाप को उल्टा सीधा सुना देना, गुरुओं को भी उल्टा सुनाना, एटीट्यूड आपका तो है ही नहीं ना। ठीक, तो अगर आपका एटीट्यूड ठीक होता तो आप क्या इसमें अच्छी जगह पोस्टिंग नहीं होती आपकी, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपके एटीट्यूड देख लेता है। तो आपने एटीट्यूड पे कितना काम किया आपने? सरकारी नौकरी सबको चाहिए एटीट्यूड 1% का नहीं है। ठीक है, आईएएस कलेक्टर कहीं कलेक्टर बनना, कलेक्टर मालूम है कितने लोग टेस्ट करते हैं आईएएस का, उसके हिसाब से आपने आज तक एटीट्यूड देखा भी नहीं कि मुझे क्या एटीट्यूड लगना है। आईटी कंपनी में जाना एटीट्यूड दे पता किस एटीट्यूड से मैंने उनसे बात करनी है, तो एटीट्यूड बनाइए। नेक्स्ट आप लिखिएगा एटिकेट एंड मैनर्स। एटिकेट एंड मैनर्स बचपन से माँ बाप ने बहुत बोला था भैया एटिकेट सीख लो, नमस्कार करना, आदाब करना, सत श्री अकाल करना, पैर छूना, बड़ों के सामने धप करके बैठना नहीं है, उनके सामने बेशर्मों का खाना खाना नहीं है, या दबाए जा रहे हो सामने वाला देख रहा है कैसे खा रहा है। ठीक है, और बड़े पहले जाए उसके बाद हम जाए, बहुत सारी चीजें माँ बाप ने बताई, टीचर से भी बताई है। टिकट आपके अंदर मैनर्स है? मैंने तो कई बार देखे क्लास में भी कई लोग आते तो वो बेंच टेबल को ऐसे सरकाते जैसे घर का है, तो घर सरकाया धप करके बैठ गए, बहुत नॉइस करके आप बैठते हो क्लास में, चलते कई लोग नॉइस करके। सरकारी लोग तो जमा के नहीं जाते, मतलब जमा के भी नहीं जाते, लाइट पंखा चल रहा चलने तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये एटिकेट मैनर यहाँ नहीं दिखाओगे ऑफिस में भी यही करोगे, चेयर ऐसी पड़ी पड़े तो चले जाओ, चाय का चाय पिया वही रख दिया, कब आप पीऊं फिरेगा हमें क्या करना। तो ये एटिकेट मैनर्स में काम किया नहीं और 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए सबको, बंदा तो देख रहा है ना। नेक्स्ट आप लिखिएगा नेगोशिएट करना, टू नेगोशिएट, ये भी एक अच्छा स्किल है आजकल, नेगोशिएट करना, टू नेगोशिएट। अच्छा बताइए नेगोशिएशन क्या कहलाता है?
मेरे हमारे विस्तार की तरफ से नेगोशिएट कौन करता है? नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है कि किसी काम को बनाना या किसी डील को फाइनल करना। क्या किसी डील को फाइनल करने की क्षमता है? अगर आपके बॉस नहीं है, कोई कस्टमर आया, तो आप डील फाइनल कर सकते हो? नहीं कर सकते इस समय, मैं बता दे रहा हूँ। यही तो बड़े महानगर के बच्चे करते हैं, बॉस नहीं है। और बड़े महानगर के बच्चे क्या करते हैं, पूरे डील फाइनल कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, और जब बॉस आते तो सर बॉस को कहते हैं कि सर ये 10 डील मैंने क्रैक कर दिए, आपको भी एक भी डील अगर बॉस ने दिया तो क्रैक कर पाओगे? घर के डील तो क्रैक होते नहीं है, बाहर के डील क्या क्रैक करोगे? उदाहरण के तौर पर जब विस्तार टीम का रायपुर दौरा हुआ था, तो हम सचिन सर जब गए थे, तो वहां पे हमने आप ही कुंडल के ऐसे गर्ल्स देखा था जो हमारे सामने 10 से 12 डील क्रैक कर चुका था एक घंटे के अंदर। डील मतलब पैसे ही ले चुके थे, या तो बात तक बना नहीं पाते, पैसे क्या लोगे? तो आपको डील क्रैक करना चाहिए, नेगोशिएट करना।